पक्का क्या पक्का नहीं करोगे ना बदमाशी? की बदमाशी तो नहीं आप करते हो, बार बार करते हो, बार बार बोलते हो नहीं करूंगा नहीं करूंगा फिर करते हो। सर ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वहाँ से सर ये वायरल हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था। जब लोगों के कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि विशाखा आपका वीडियो वायरल हो रहा, तब मैंने देखा कि अच्छा ये हो रहा है। कुछ लोगों का रिएक्शन काफ़ी अजीब भी रहा, मैंने देखा कमेंट्स देखे, काफ़ी अजीब अजीब कमेंट्स थे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, जो भी है अच्छा करें उसमें, और अगर अच्छी चीज़ें तो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। पहले मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि सबने इतना लाइक किया और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट किया, इतना लाइक किया बच्चे को, इतना बच्चा इतना क्यूट है, जो भी थी सही चीज़ें थी। कुछ लोग उसको थोड़ा इधर उधर भी घुमा के फेस भी कर रहे हैं वहाँ पे कि ऐसा है वैसा है, तो सर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और जो भी है। अच्छा आपको लगता है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली में जिस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह सही है? जी सर, कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि टीचर ने बच्चों को मार दिया, उनके कान पे मार दिया, दर्द हो गया, ऐसा कुछ काफ़ी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, देखने को मिलता है। बट मुझे लगता है सर कि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी मन के सच्चे होते हैं, तो उनको मार के डरा के अगर हम पढ़ाना चाहेंगे, कुछ सिखाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से राइटली हैंडल करना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए और अपनी बातों को प्यार से ही समझाना चाहिए, तभी वो समझेंगे, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। शिक्षा प्रणाली में आप किस तरीके से बदलाव करना चाहते हैं? सर यही मैं बोलूँगी कि सारे शिक्षकों को बहुत ही प्यार से बच्चों को हैंडल करें, चीज़ों को उनकी बातों को समझें वो क्या कहना चाह रहे हैं, देन उसके बाद कोई रिएक्शन लें। और मारना पीटना ये बहुत ही इग्नोर करें, चीज़ों को इग्नोर करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उनको प्यार से एकदम प्यार से लाइटली एकदम हैंडल करें। जब आपका वीडियो वायरल हुए, आपके वीडियो होने लगे तो आपको कैसा पता चला, लोगों का क्या रिएक्शन? सर ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वहाँ से सर ये वायरल हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था। जब लोगों के कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि विशाखा आपका वीडियो वायरल हो रहा, तब मैंने देखा कि अच्छा ये हुआ। फिर काफ़ी अच्छा भी लगा कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अच्छी चीज़ों को लोग पसंद भी करते हैं। और कुछ लोगों का रिएक्शन काफ़ी अजीब भी रहा, मैंने देखा कमेंट्स देखे, काफ़ी अजीब अजीब कमेंट्स थे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, जो भी है अच्छा करें उसमें, और अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें। लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं आपके वीडियो के लेकर जो तरह तरह कमेंट कर रहे हैं? सर जो अजीब थोड़ा कमेंट करें, मैं यही बोलूँगी कि वो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसे एक मदर की तरह ट्रीट करती हूँ, सारे बच्चों को मैं मदर की तरह ट्रीट करती हूँ, तो उसको एक मदर एंड सन की तरह ही उसको ले, अदर वे में मन ना ले प्लीज़। वीडियो बहुत मार्मिक टाइप का है। जी सर, उस दिन हाँ हमारे यहाँ फ्रूट चाट एक्टिविटी हो रही थी, तो उस दिन एक्टिविटी हो रही थी कि दो तीन एक्टिविटीज़ थी हम लोग कर रहे थे उसी टाइम पे, तो बच्चे काफ़ी शैतानी भी कर रहे थे उस टाइम पे एक्टिविटीज़, बस से बच्चे हैं मस्ती करने लगते हैं, इनकी भी यही मस्ती थी, किसी को मार रहे थोड़ा सा, किसी को इधर से उधर से परेशान कर रहे थे। उसी टाइम पे मैंने बोला अथर अगर आप बदमाशी करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो अथर का रिएक्शन था नहीं मैम प्लीज़ बात करिए, मुझसे बात करिए मैम, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए मैम, प्लीज़ मुझसे बात करिए, अब नहीं करूँगा मैम, प्लीज़ अब नहीं करूँगा। काफ़ी देर मैंने उनको बोला कि नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगी, उसके बाद मैंने बोला ठीक है आप नहीं करोगे पक्का, फिर दिन उन्होंने किसी देके मुझे मनाया भी। तो सर ऐसे ही था कुछ एक्टिविटीज़ जो भी थी, एक्टिविटी के दिन ही था वो, अचानक से ये जो कुछ भी हो रहा था उस दिन मैम, क्योंकि एक्टिविटी थी तो वीडियोज़ बनाते हैं बच्चों का, पोस्ट करते हैं, पेरेंट्स को भेजते हैं, तो उस दिन निशा मैम बना रही थी वीडियो, और उन्होंने जब वीडियो बनाते हुए जब हम दोनों की टॉकिंग भी उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। लगा मुझे जिस तरह से आप लोगों को समझा रही थी, हर टीचर से क्या कहने चाहते हैं बच्चों का ऐसा रिएक्शन? सर यही कहूँगी कि बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करिए, जितने प्यार से आप हैंडल करेंगे वो उतने ही खुश रहेंगे, उतने ही आपसे प्यार करेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे और अच्छा रिएक्शन देंगे आपके साथ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जो हम उनको सिखाएंगे, जो बताएंगे वही वो आगे जाके वो फॉलो करेंगे, तो हम अगर उनको जितने प्यार से हैंडल करेंगे तो वो आगे जाके वो भी चीज़ों को प्यार से ही हैंडल करेंगे, तो प्लीज़ प्यार से हैंडल करिए, अच्छे से समझाइए, दोस्त की तरह रहिए, मदर की तरह सपोर्ट करिए, यही मैं सबसे बोलना चाहूँगी। कितने दिन का कैरियर है आपका टीचिंग का और ये कैसा अनुभव रहा आपका पहला ये वीडियो के अंदर? सर ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा, और सर ये मैं यहाँ से आनंद राम जयपुरिया नैनी, यहाँ पे सर 1 ईयर हो गए मुझे पढ़ाते हुए,
और सर एक साल हो चुका है और सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बच्चे भी काफ़ी प्यार देते हैं यहाँ पे, टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट सब बहुत सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। तो सर ये काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा भी लगता है सर ये सारी चीज़ें।